दोस्तों YouTube से अच्छी खासी अर्निंग की जाती है, ये तो आपने सुना ही होगा। अगर आप भी YouTube पर आना चाहते हो और अपना चैनल बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने, क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी बातें क्लियर करूँगा, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, आपको समझ भी आ जाएगी क्या इसका प्रोसेस है, कैसे अर्निंग करते हैं। दोस्तों YouTube पे आने से पहले हमारे मन में काफ़ी सवाल होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं गिनवा देता हूँ कुछ सवाल। वीडियो अपलोड करने के बाद पैसा कैसे कमाती है और कितना कमा सकते हैं हम एक वीडियो से अपलोड करने के बाद, और मोबाइल पर हम चैनल बना सकते हैं या नहीं। दोस्तों सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वीडियो में कमेंट जरूर कर दें और मैं उसका सोल्यूशन बताने की जरूर कोशिश करूँगा। और वीडियो बेनिफिशियल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों YouTube पर आने से पहले हमें YouTube का एल्गोरिदम समझना होता है कि हम जब वीडियो अपलोड कर देते हैं उसके बाद YouTube का एल्गोरिदम कैसे वीडियो को वायरल करता है और कैसे हमें अर्निंग करवाता है। सबसे पहले मान लो अगर आपने वीडियो अपलोड कर दी, उसके बाद क्या होता है, आपकी वीडियो पर व्यू आने लग जाते हैं। जितने ज़्यादा व्यू आएंगे उतनी ज़्यादा वीडियो वायरल होगी और उतनी ही ज़्यादा आपके चांस बनेंगे कि मोनेटाइज हो जाए चैनल। मोनेटाइज का मतलब दोस्तों यहाँ से ये है कि आपके चैनल जो आपने वीडियो डाली है उस पर एड्स आना स्टार्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट में बात कर लें दोस्तों, हमारी वीडियो पर जितनी भी एड्स आती हैं, लोग उसको देखते हैं तो उसका हमें पैसा मिलता है, काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है। दोस्तों एक बार ट्राई जरूर करके देखो, अगर आप में दिन का एक या दो घंटे निकालने का आपके पास टाइम, मतलब जरूर एक बार स्टार्ट करके देखो। चलो मेरी बात मान के आपने चैनल बना लिया और एक वीडियो भी अपलोड कर दी, अब मन में सवाल ये आता है दोस्तों कि वीडियो को वायरल कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले जो डिपेंड होना पड़ता है हमें, कंटेंट अच्छा होना चाहिए वीडियो का। अगर हम 2 मिनट की वीडियो बना रहे हैं तो कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जैसे कि जो भी उसको देख रहा है कम से कम 1.5 मिनट या उससे ऊपर टाइम तक उस वीडियो को देखे, तभी वीडियो आपकी आगे वायरल होती है। क्योंकि YouTube को यहाँ पर ये लगता है कि हाँ इस वीडियो में कोई दम है, इसलिए मैं 4 या 10 लोगों को और इसको रेकमेंड करना चाहिए। मतलब हमें वीडियो का कंटेंट ऐसा बनाना चाहिए कि जो भी देख रहा है उसको स्किप ना करे और पूरी देखने की कोशिश करे, बल्कि कुछ इंटरेस्टिंग डालना चाहिए वीडियो में, उसको सीखने को भी मिले और हमें भी बेनिफिट मिले इस चीज़ का। इसके बाद जो बात आती है टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन। दोस्तों जो वीडियो वायरल करने के लिए टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड होना जरूरी है। तो टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन की वजह से ही जो यूट्यूब की वीडियोज़ है वो सर्च में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर आज मैंने जैसे ये वीडियो डाल दी, हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, तो अब अगर कोई भी ये लिख के सर्च करेगा तो उसके पास मेरी वीडियो जो सर्च में शो होगी। टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखते समय हमें थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना है, हमें सबसे पहले ये सोचना है कि जो भी इस वीडियो को देखेगा सर्च करेगा वो क्या लिख के इसको सर्च कर सकता है, उस टाइप का हमें टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड यहाँ पे यूज़ करने हैं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले उसके पास शो हो। अब आगे दोस्तों आपने चैनल भी बना लिया और वीडियो भी अपलोड कर दी और वीडियो वायरल भी कर दी, अब आपके माइंड में ख्याल आता है कि एड्स कब आएंगे मेरी वीडियोस पर। तो इसके लिए यूट्यूब ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, अगर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं और 4000 घंटे का बात मिनट कंप्लीट हो जाता है तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है, तब जो एड्स है वो आना स्टार्ट हो जाती है और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब ये समझने वाली एक बात और, अगर आपका चैनल ग्रो हो जाता है, काफ़ी सब्सक्राइबर हो जाते हैं और काफ़ी अच्छे व्यू आने लग जाते हैं, तब बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आपके पास आती है और अपना प्रोडक्ट लेके बोलते हैं कि हमारी इस प्रोडक्ट पे आप वीडियो बनाओ, हम इसका पैसा देंगे। काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है दोस्तों प्रोडक्ट रिव्यू देने का भी। तो एड्स के अलावा आप प्रोडक्ट रिव्यू करके भी जो अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं यूट्यूब से, और ये जो यूट्यूब की अर्निंग होती है दोस्तों सीधा आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। चलो अब आपका चैनल है जो मोनेटाइज हो गया, तो अब आपके माइंड में ख्याल आता है कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूँ अपनी वीडियोस से। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है आपके चैनल छोटा होने से या चैनल बड़ा होने से। अगर आपके सब्सक्राइबर 5 से लेकर 10 हज़ार के बीच में सब्सक्राइबर और मंथ का जो 20 से 25 हज़ार व्यू आ जाते हैं, तो आप इजीली $150 अर्न कर सकते हैं एक मंथ का। मतलब $150 नॉर्मल सी कमाई है, मैं 130-140 के आसपास, मेरे 5 हज़ार से ऊपर सब्सक्राइबर है तो मैं $150 के आसपास मैं अर्निंग कर लेता हूँ फिलहाल। $1 जो 73 रुपीज़ के बराबर है इस टाइम, अब आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 150 को 73 से अगर मल्टीप्लाई करो तो जो 5 से 10 हज़ार सब्सक्राइबर वाले चैनल हैं उनकी कितनी मंथ की अर्निंग होती है, और यहाँ से आप अंदाज़ा भी लगा सकते हो जिनके 1 लाख या 10 लाख सब्सक्राइबर है वो कितनी अर्न करते होंगे यूट्यूब से। अगर आप मोटिवेट हो गए हो इस वीडियो से तो अब आपके मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा कि मोबाइल पर चैनल कैसे बनाएं। दोस्तों आप मोबाइल पर चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। मैंने भी जब चैनल की शुरुआत की थी तो मैंने शुरू के 2 या 3 मंथ जो वीडियो अपनी मोबाइल से ही एडिट करके जो यूट्यूब पे डालना स्टार्ट किया था, जैसे ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो मैंने एक लैपटॉप ले लिया
पर दोस्तों मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आप मोबाइल से एक बार स्टार्ट अपनी जर्नी स्टार्ट जरूर कर सकते हो, पर जैसे ही आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लग जाए तो एक कंप्यूटर जरूर ले लेना, क्योंकि कंप्यूटर पर जो एडिटिंग आसान हो जाती है और काफ़ी जल्दी चैनल ग्रो होने के चांस बन जाते हैं। ओके दोस्तों, अगर कोई भी सवाल आपके मन में है तो वीडियो में कमेंट कर दें, मैं उसको सोल्यूशन देने की जरूर कोशिश करूँगा। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।